भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है। श्रीलंका ने इस मैच में पहले बैटिंग के दौरान 20 ओवर में 161 रन बनाए थे। बारिश के चलते बाधित हुए मैच में डकवर्थ लुईस के तहत भारत को 8 ओवर में जीत के लिए 78 रनों का टारगेट दिया गया था, जिसको भारत ने 6.3 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत ने इस मैच में चोटिल शुभमन गिल के स्थान पर संजू सैमसन को शामिल किया और ओपनिंग में सैमसन इस मुकाबले में बगैर खाता खोले आउट हो गए। उनको महेश तीक्ष्णा ने बोल्ड आउट किया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने तेजी से भारत का स्कोर आगे बढ़ाया। यशस्वी जायसवाल ने 15 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के समेत 30 रनों की पारी खेली।